बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ICS पार्ट 2 की बुक के चैप्टर नंबर 5 इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स का ओवरव्यू देखा था कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम बाकायदा इस चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 1 से, विच इज अनफॉर्मेटेड IO फंक्शंस। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं उनमें आप सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद उसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। और यहाँ आपने एक बात गौर की होगी कि जो भी वैल्यू आप असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को, वो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे मान लें अभी हमने 3 वेरिएबल्स दिए हैं इंटीजर टाइप के, ए, बी और सी, और ए और बी में हमने वैल्यूज स्टोर करवा दी है 5 और 4। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी मैं ए और बी वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यूज को प्लस करवा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो हमेशा इस प्रोग्राम का आंसर 9 ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब ए और बी के अंदर मौजूद वैल्यूज क्योंकि फिक्स्ड हैं, तो आप अपने प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो नंबर्स को ही ऐड करवा सकती हैं। यानी अब आपका ये प्रोग्राम सिर्फ इन दोनों नंबर्स पर ही महदूद रहेगा। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर किसी दूसरे नंबर्स को ऐड करवाना चाहती हैं, तो आपको पहले इन स्टेटमेंट्स में से इस 5 और 4 को हटाकर वो नंबर्स डालने होंगे जिनको आप ऐड करवाना चाहती हैं। तो यकीनन ये एक बहुत ही बड़ा काम है क्योंकि ये वैल्यूज प्री डिफाइंड होंगी, प्रोग्रामर ने प्रोग्राम को बनाते वक्त डिफाइन की होंगी, इसीलिए इन्हें चेंज करने के लिए आपको प्रोग्राम में जाकर इनको चेंज करना होगा। और मान लें अगर आपको 100 टाइम्स अलग अलग वैल्यूज को सम करवाना पड़े, तो क्या आप 100 टाइम्स प्रोग्राम की इन स्टेटमेंट्स को चेंज करेंगे? जैसे मान ले अभी हमने यहाँ पर 5 और 4 लिखा है, अब अगर मैं यहाँ पर 9 और 10 को प्लस करवाना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ से पहले यहाँ 9 लिखना होगा और उसके बाद 10 यहाँ लिखना होगा, उसके बाद मैं कंट्रोल एस करूंगी और फिर कंपाइल और रन करूंगी, तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा 90। इसी तरीके से दोस्तों मुझे जब जब कोई नया वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी होगी, तो हमेशा मुझे यहाँ से इन वैल्यूज को चेंज करना होगा, यानी पहले प्रोग्राम में आना होगा उसके बाद वैल्यूज को चेंज करना होगा। तो यकीनन ये एक बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन काम है क्योंकि हर बार आपको प्रोग्राम की स्टेटमेंट में आकर चेंजिंग करनी होगी। और आप जानते हैं कि जब हम कोई बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो प्रैक्टिकली हम एक प्रोग्राम में लाखों इनपुट्स दे रहे होते हैं, लाखों इनपुट्स डाटा को इनपुट करवा रहे होते हैं, तो क्या आप लाखों स्टेटमेंट में ये चेंजिंग करेंगे? तो यकीनन ये आपके लिए एक मुश्किल काम होगा। और ये जो पूरा प्रोसीजर है ये कहलाता है प्री डिफाइंड प्रोसीजर, क्योंकि इस प्रोसीजर के अंदर जो प्रोग्रामर होता है वो खुद से पहले से डाटा को इनपुट दे देता है, प्रोग्राम के अंदर ही इनपुट दे देता है जो कि इनपुट फिक्स रहता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजर डिफाइंड इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स बनाई गई। अब इन स्टेटमेंट्स के जरिए आपको प्रोग्राम में वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और यहाँ तक के आप हर बार एक नई वैल्यू भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इस प्रोग्राम में देखा कि हमने 2 वेरिएबल्स दिए ए और बी, जिनकी वैल्यूज 5 और 4 या 9 और 10 फिक्स थी। अब हम इसी प्रोग्राम की वैल्यूज को यूजर से इनपुट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसी पूरे प्रोग्राम को यूजर से इनपुट लेते हुए चेंज कर देते हैं, तो अब अगर आप इस प्रोग्राम में देखें तो आपको किसी किस्म की कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही। यानी हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए हैं ए बी सी और किसी वेरिएबल को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई मुझे ए की वैल्यू बताओ और बी की वैल्यू बताओ। जैसे ये मैंने कंट्रोल एस किया और अब मैं इसको रन करने जा रही हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आपके सामने कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये वाला, ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आप ए की वैल्यू इनपुट करें, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 फंक्शंस यूज किए हैं और वो फंक्शंस पूछ रहे हैं कि आप वो फंक्शन इसीलिए आपने लगाए हैं ताकि आप ए और बी की वैल्यूज को यूजर से इनपुट ले सके। तो दोस्तों यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये मैंने वैल्यू डाल दी है 7। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो अब ये दोबारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है और ये अब मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे बी की वैल्यू बताएं, तो मैंने बी की वैल्यू दे दी है 3। अब दोस्तों मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट में आपको 10 मिल गया है। यानी आपको हर दफा प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं है।
हर दफा आपको स्टेटमेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने बस अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया और ड्यूरिंग कंपाइलेशन ही ये आपसे पूछ रहा है, यानी यूजर से इनपुट ले रहा है कि भाई आप जो भी डाटा इनपुट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर तो मैंने 7 और 3 दे दिया, अब अगर मैं कोई और वैल्यूज असाइन करना चाहती हूँ तो मैं दोबारा इसको कंपाइल और रन करूंगी, और कंपाइल और रन करने पर ये दोबारा कर्सर ब्रिंग कर रहा है। अब मैं 7 और 3 की जगह 25 या 24 और 56 दे देती हूँ, तो अब आपके सामने ये इसका रिजल्ट मौजूद है। यानी अब दोस्तों आप ये देखें कि आपका काम कितना आसान हो गया है, हर बार आपको प्रोग्राम में जाके चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम भी वैल्यूज को दे सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये कहलाता है यूजर डिफाइंड इनपुट, यानी जो यूजर है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम जो है वो इनपुट दे सकता है, जबकि जो पहला वाला हमारा प्रोसीजर था ये कहलाता है प्री डिफाइंड इनपुट्स, जो कि आप पहले से डिफाइन करते हो, प्रोग्राम को लिखते वक्त डिफाइन करते हो, तो ये कहलाते हैं प्री डिफाइंड इनपुट्स और ये कहलाते हैं यूजर डिफाइंड इनपुट्स। तो दोस्तों यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि प्री डिफाइंड इनपुट और यूजर डिफाइंड इनपुट में क्या फर्क होता है और कैसे यूजर डिफाइंड इनपुट जो है वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करते हैं प्री डिफाइंड। दोस्तों यहाँ तक आपने ये तो जान लिया कि यूजर डिफाइंड इनपुट्स क्या होते हैं, लेकिन अब आप अपने प्रोग्राम में इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्री डिफाइंड इनपुट्स की बात करें तो वो तो इजीली आप पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो इस तरह से आप प्री डिफाइंड इनपुट्स को जो है वो अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर यूजर अगर कोई इनपुट देना चाहता है रन टाइम पर, तो उसके लिए सी लैंग्वेज आपको कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है और वो फंक्शन कहलाते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस। यानी अगर आप इनपुट लेने के लिए, यानी अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो आप इनपुट फंक्शंस को यूज करेंगे, और अगर आप इनपुट्स को प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यूजर को तो आप आउटपुट फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों दो तरह के सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस मौजूद हैं, अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस, यहाँ पर आईओ से मुराद है इनपुट आउटपुट फंक्शंस, एंड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस की। दोस्तों ये इस तरह के इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल इनपुट को रीड कर सकते हैं और सिंगल आउटपुट को ही डिस्प्ले करवा सकते हैं। और दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आपको 3 फंक्शन नजर आ रहे हैं, getchar, getch और getche, ये कहलाते हैं सिंगल करेक्टर इनपुट फंक्शंस। तो ये वो फंक्शंस होते हैं जिनके जरिए आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल करेक्टर को, यानी सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर को आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये तीनों जो फंक्शंस हैं ये सेम फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सिंगल करेक्टर को इनपुट लेने के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो फिर इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले गेट चार फंक्शन की बात करते हैं। दोस्तों गेट चार की फुल फॉर्म है गेट करेक्टर फंक्शन, और आपको इसके नाम से भी अंदाजा हो रहा होगा कि ये करेक्टर को गेट करने के लिए, करेक्टर को इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। और इसको हम फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके आगे आपको इस तरह से पैरेंथेसिस नजर आ रहे हैं, और ये पैरेंथेसिस जब भी आपको सी लैंग्वेज में किसी भी वर्ड के आगे नजर आएंगे तो आप समझ जाएं कि ये जो वर्ड है ये कोई आम वर्ड नहीं है, ये कोई कीवर्ड या कॉन्स्टेंट नहीं है, बल्कि ये एक फंक्शन है। तो सी लैंग्वेज में हमेशा फंक्शंस के आगे आप इस तरह से पैरेंथेसिस यूज करते हैं। और दोस्तों इस getchar फंक्शन का काम क्या है, ये यूजर से सिंगल करेक्टर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब आप इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये यूजर के इनपुट का तब तक वेट करता रहेगा जब तक कि यूजर कीबोर्ड पर से कोई की प्रेस नहीं कर देता, यानी कोई सिंगल करेक्टर इनपुट नहीं कर देता, और वो करेक्टर कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकता है, और कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। और इस तरह से दोस्तों आप getchar फंक्शन के थ्रू किसी भी करेक्टर को, किसी भी सिंगल करेक्टर को इनपुट दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, इसीलिए इसकी तमाम डिटेल्स डिफाइन होती हैं एक हेडर फाइल में, यानी एक लाइब्रेरी फाइल में जिसका नाम है stdio, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल में।
इसीलिए इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करने से पहले इस हेडर फाइल यानी SCDIO को आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ये फंक्शन काम नहीं करेगा। और इसका एक और पॉइंट देखिए दोस्तों, गेट चार फंक्शन के जरिए आप ना सिर्फ करेक्टर्स को इनपुट ले सकते हैं बल्कि इंटीजर्स को भी इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि गेट चार करेक्टर को भी एज एन इंटीजर ही एक्सेप्ट करते हैं। यानी जब आप गेट चार के जरिए एक करेक्टर इनपुट लेते हैं सी, तो ये उस करेक्टर के बजाय उसकी ASCII वैल्यू को, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, उसको अपने पास स्टोर करता है। यानी जब कभी भी आप कीबोर्ड से कोई भी अल्फाबेट, कोई भी डिजिट, कोई भी स्पेशल सिंबल प्रेस करते हैं, तो ये उस सिंबल के पीछे जो उसका ASCII कोड होता है उसको अपने पास स्टोर करता है। और डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, गेट चार फंक्शन का एक डिसएडवांटेज भी है कि जब आप गेट चार फंक्शन को यूज करते हैं तो यूजर से इनपुट लेने के बाद एंटर की प्रेस करना आपके लिए लाजमी होता है, तभी कंपाइलर उस करेक्टर को रीड कर पाता है। अब आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने गेट चार फंक्शन को यूज किया है। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि गेट चार फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए आपके प्रोग्राम में पहले एक हेडर फाइल मौजूद होनी चाहिए जिसका नाम है stdio.h, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को आप अगर अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए इस लाइब्रेरी फाइल को आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करना लाजमी है। तो हमने सबसे टॉप पर इस लाइब्रेरी फाइल को ऐड कर दिया। इसके बाद दोस्तों, हमने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसका नाम है ch, और इस वेरिएबल की टाइप करेक्टर है यानी चार है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने इस ch वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, कोई करेक्टर असाइन नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हम यूजर से इसको कोई करेक्टर असाइन करें, तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया ch equals to get char। अब जब भी ये get char का फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही आप कोई भी वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर टाइप करेंगे, यानी अपने कीबोर्ड से जो भी वैल्यू प्रेस करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ये get char फंक्शन उस वैल्यू को असाइन कर देगा इस ch वेरिएबल को। आइए देखते हैं कि ये काम किस तरह करता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको कंपाइल और रन किया, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कर्सर आपको नजर आ रहा है, और ये कर्सर जब ब्लिंक करता है, जब आप यूजर जो है वो कुछ इनपुट देने वाला होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 5। दोस्तों, जैसे ही मैंने 5 लिखा तो अब ये कह रहा है कि आप एंटर की प्रेस करें। तो याद रखिए, जो गेट चार फंक्शन है, इसमें आप जो भी वैल्यू आप प्रेस करते हैं वो वैल्यू तब तक ch वेरिएबल के अंदर नहीं जाएगी जब तक कि आप एंटर की प्रेस नहीं कर देते। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस ch को प्रिंट करवाया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा आ गया है यू टाइप, और पर्सन सी से मुराद है कि जब आप करेक्टर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप जो फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करते हैं वो है पर्सन सी, और ऐसे ही ch में पड़ी वैल्यू जो है उस पर्सन सी को असाइन हो गई और आपके सामने ये रिजल्ट आ गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से गेट चार फंक्शन काम करता है। यानी रन टाइम पर अगर आप कोई करेक्टर इनपुट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप गेट चार फंक्शन को यूज करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने 5 लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पर करेक्टर के अंदर डिजिट्स भी आ रहे होते हैं, अल्फाबेट्स भी आते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं, ये बात आप जानते हैं। लेकिन एक और बात जो अभी हमने सीखी है कि जो गेट चार फंक्शन है वो करेक्टर्स को भी एज अ इंटीजर लेता है, यानी जो भी करेक्टर आपने टाइप किया है उसकी जो ASCII वैल्यू होगी ये दरअसल ये अपने पास स्टोर करता है। अब अगर हम उसकी ASCII वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम सिंपल इस प्रिंट टैप को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर इस लाइन को पेस्ट किया और परसेंट सी के बजाय अब हम परसेंट डी लिख देंगे। तो अब इस ch में जो भी हम करेक्टर असाइन करेंगे उस करेक्टर की ASCII वैल्यू ये आपको शो करेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब मैं, क्योंकि ये यूजर डिफाइन है, तो जैसे ही आपकी आउटपुट स्क्रीन शो होगी ये तभी आपसे वैल्यूज मांग लेगा। यानी आपको पहले से वैल्यूज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये रन टाइम पर आपसे इनपुट लेता है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू दी है f, यानी मैंने f करेक्टर प्रेस किया है। इसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूंगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहले बता रहा है कि आपने करेक्टर क्या प्रेस किया है, और उसके बाद उस करेक्टर की ASCII वैल्यू बता रहा है जिसकी ASCII वैल्यू है 102। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जान गए होंगे कि गेट चार करेक्टर, गेट चार फंक्शन किस तरह से काम करता है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे कि ये जो भी करेक्टर
आप सिंगल करेक्टर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, ये आपको वो इनपुट करके देता है, उसकी वैल्यू को वेरिएबल में आप इस तरह से असाइन कर सकते हैं। अगर आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इस तरह से उसको प्रिंट करवा सकते हैं। और गेट चल रहे फंक्शन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको हमेशा वैल्यू असाइन करते वक्त, यानी जब ये प्रोग्राम आपका रन होगा तो आपको एंटर की, जैसे ही आप कोई भी वैल्यू प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, उसके बाद जब तक कि आप एंटर की प्रेस नहीं करेंगे वो वैल्यू असाइन नहीं होगी वेरिएबल को। यानी वेरिएबल को असाइन करने के लिए आपको अपनी इनपुट को देने के बाद एंटर की को प्रेस करना लाजमी है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो कहलाता है गेट सी एच फंक्शन। दोस्तों गेट सी एच फंक्शन भी गेट चार की तरह ही काम करता है, यानी ये भी सिंगल करेक्टर को इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो जब तक यूजर का वेट करता रहेगा, जब तक कि यूजर कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं कर देता और फिर उस की के ऊपर मौजूद करेक्टर को एज अ इनपुट लेगा। तो दोस्तों गेट चार और गेट सी एच में क्या डिफरेंस है? दोस्तों गेट चार में हमें हमेशा इनपुट देने के बाद एंटर की को प्रेस करना होता था, जबकि गेट सी एच में ये फायदा है कि इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके लिए आपको कोई एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो भी इनपुट आप यूजर को देते हैं उसको आप आउटपुट स्क्रीन पर नहीं देख सकते, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। जिस तरह गेट चार को आपके सामने एक कर्सर ब्लिंक करता था और आप जो भी वैल्यू आप कीबोर्ड से टाइप करते थे वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रही होती थी, जबकि गेट सी एच में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों गेट चार और गेट सी एच में ये एक बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा दोस्तों इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए आपको stdio फाइल के बजाय conio.h फाइल को ऐड करवाना होता है, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल को ऐड करवाना होता है, और इसी फाइल के अंदर इस फंक्शन की तमाम डिटेल्स मौजूद होती है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि गेट सी एच और गेट चार में क्या फर्क है। अब आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम नजर आ रहा है जो कि हमने पीछे अभी देखा था गेट चार के लिए। अब अगर हम इसको गेट चार के बजाय गेट सी एच कर देते हैं तो देखते हैं कि क्या इसके अंदर डिफरेंस आता है। हमने ए आर हटा के सिर्फ इसको सी एच कर दिया। अब आप जानते हैं कि गेट सी एच को अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो आपको एक लाइब्रेरी फाइल conio.h को अपने प्रोग्राम में ऐड करवाना होगा। हमने यहाँ पर एस सी डी ओ डी आई ओ के बजाय लिख दिया है conio.h, जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल है। अब दोस्तों गेट चार के अंदर और गेट सी एच के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जैसे ही आप गेट चार के अंदर आप करेक्टर को इनपुट देते हैं तो वो करेक्टर आपको स्क्रीन पर नजर आता है, जबकि गेट सी एच में अभी आप देखिएगा कि हम जो भी करेक्टर इनपुट देंगे वो आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट जो प्रिंटएफ वाली स्टेटमेंट है ये रन हो जाएगी। तो दोस्तों आइए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, और दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर एक करेक्टर इनपुट दे रही हूँ एल, तो एल इनपुट देते ही यहाँ पर आपको वो एल शो नहीं हुआ, बल्कि ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है इसके अंदर शो तो नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों इस गेट सी एच के अंदर एल आ गया है और उसने ऑटोमेटिकली उस एल को इस सी एच करेक्टर के अंदर असाइन कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पर्सन सी के स्पेसिफायर के थ्रू आपको ये एल यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन अगर दोस्तों हम गेट चार की बात करें, यानी अगर हम यहाँ गेट चार लिख देते हैं ये देखिए, अब दोस्तों जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और जैसे ही आप के लिखेंगे तो ये आपको के स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप इस गेट चार और गेट सी एच के अंदर इजीली आप डिफरेंस कर सकते हैं कि गेट सी एच के अंदर आपको स्क्रीन पर जो भी आपने यूजर से इनपुट लिया होता है वो आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आता ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, लेकिन जब वो असाइन हो जाता है उस वेरिएबल को तभी आप उसको देख सकते हैं। जबकि गेट चार के अंदर आप जैसे ही इनपुट दे रहे होते हैं, यानी जो भी चीज आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन पर भी नजर आने लग जाती है। लेकिन गेट सी एच के अंदर एक फायदा ये है कि आपको इसके अंदर इनपुट देने के बाद एंटर की प्रेस करनी नहीं होती, जबकि यहाँ पर यानी गेट चार के अंदर आपको एंटर की प्रेस करनी होती है इस तरह से। हमने एंटर की प्रेस करी तो ही हमारा प्रोग्राम आगे रन हुआ है। तो यहाँ पर ये इसका मेन डिफरेंस है कि जो गेट चार है इसके लिए आपको एंटर की प्रेस करनी होती है, जबकि गेट सी एच के अंदर आपको कोई एंटर की प्रेस नहीं होती करनी होती, और गेट चार के अंदर
आपको स्क्रीन पर जो भी आपने टाइप किया होता है वो नजर आता है, जबकि गेट सीएच के अंदर आपको स्क्रीन पर आउटपुट नजर नहीं आता, सिर्फ जो आपने प्रिंटएफ में स्टेटमेंट लिखी होती है वो ही आपको नजर आती है, यानी जो यूजर से आपने इनपुट लिया होता है वो आपको ड्यूरिंग कंपाइलेशन नजर नहीं आ रहा होता। इसके अलावा एक और मेन डिफरेंस है वो ये है कि गेट चार के अंदर आप stdio.h लाइब्रेरी फाइल का यूज करते हैं, जबकि गेट सीएच के अंदर आप conio.h यानी conio.h लाइब्रेरी फाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो तीसरा फंक्शन है आज के लेक्चर का वो है गेट सी एच ई। दोस्तों गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। दोनों के लिए conio.h फाइल को आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करना जरूरी है। दोनों ही सिंगल करेक्टर को इनपुट लेने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन गेट सी एच और गेट सी एच ई में एक मेन डिफरेंस ई का है, यानी अगर आप इन दोनों फंक्शंस को देखें तो ये आपको बिल्कुल सेम नजर आ रहे होंगे, लेकिन इनमें एक मेन डिफरेंस है वो है ई का। यहाँ पर आपको ई नजर नहीं आ रहा, जबकि गेट सी एच ई के अंदर आपको ई नजर आ रहा है। तो यहाँ ई से मुराद है इको, यानी जब गेट सी एच ई फंक्शन के जरिए आप गेट सी एच फंक्शन के जरिए आप इनपुट देते थे तो वो आपको इनपुट स्क्रीन पर नजर नहीं आता था, जबकि अगर आप अपने प्रोग्राम में गेट सी एच ई फंक्शन यूज करेंगे तो अब जो भी आप यूजर से इनपुट लेंगे वो आपको स्क्रीन पर भी शो होगा। यानी जैसे ही आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं के, तो अगर आपने गेट सी एच ई फंक्शन इस्तेमाल किया है अपने प्रोग्राम में तो वो के आपको स्क्रीन पर भी नजर आएगा। और इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको गेट चार की तरह एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इजीली बिना एंटर प्रेस किए भी ये आपको वैसे ही रिजल्ट देगा जैसे कि गेट सी एच ई दे रहा था। तो ये दोस्तों इसका एक मेन डिफरेंस है कि इसके अंदर आप ई का इस्तेमाल करते हैं, और वो ई भी आप क्यों यूज करते हैं, ताकि आप अपने इनपुट दिए गए करेक्टर को डिस्प्ले करवा सके। अब आइए इसको करें। दोस्तों यहाँ पर हमने गेट चार का फंक्शन यूज किया है, अब हम इस गेट चार को हटाकर ई यहाँ पर लगा देते हैं, यानी ई टाइप कर देते हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों, गेट सी एच ई जो है इसका बिल्कुल सेम फंक्शनलिटी गेट सी एच की तरह है, बस इसके अंदर एक और फंक्शनलिटी ऐड की गई है कि जो भी आप यूजर से इनपुट देंगे तो वो आपको स्क्रीन पर भी शो होगा। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कर्सर ब्रिंग कर रहा है, विच मीन्स कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो ये यूजर से इनपुट लेगा। ये बोलेगा कि यूजर आप कोई करेक्टर इनपुट करें, क्योंकि हमने गेट सी एच ई लिखा है तो गेट का मतलब होता है इनपुट देना और सी एच का मतलब है करेक्टर को इनपुट लेना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा है एच, और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एच लिखा तो ये एच आपको स्क्रीन पर यानी आउटपुट स्क्रीन पर भी शो हुआ। इसके बाद क्योंकि हम इसके अंदर कोई एंटर की प्रेस नहीं करते तो ऑटोमेटिकली पूरा प्रोग्राम एक साथ रन हो गया है, यानी एच को लिखने के बाद आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत भी नहीं है, जिस तरह हमें गेट चार में प्रेस करने की जरूरत थी। तो दोस्तों अब आप इजीली समझ गए होंगे कि गेट चार जो है उसके अंदर क्या फर्क होता है, वो भी आपको जो भी आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से वो आपको स्क्रीन पर दिखाता है, लेकिन उसको लिखने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना जरूरी है। जबकि अगर हम गेट सी एच की बात करें तो उसके अंदर आपको किसी किस्म का एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको स्क्रीन पर भी आपका इनपुट शो नहीं होता जिस तरह आपको गेट सी एच ई में शो हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स ये वो तीनों फंक्शंस थे जिनके जरिए यूजर कोई भी सिंगल करेक्टर जो है वो इनपुट दे। दोस्तों यहाँ तक हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने सीखा कि आप किस तरह सिंगल इनपुट को अपने प्रोग्राम में ऐड करवा सकते हैं यूजर से, जिसके लिए आपको सी लैंग्वेज जो है वो तीन फंक्शंस प्रोवाइड करती है, गेट चार, गेट सी एच और गेट सी एच ई। और ये जो तीनों फंक्शंस हैं ये यूजर से इनपुट लेने के लिए सिंगल करेक्टर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगले लेक्चर में हम यूजर से सिंगल आउटपुट किस तरीके से शो करवा सकते हैं, सिंगल करेक्टर आउटपुट किस तरह से आप स्क्रीन पर शो करा सकते हैं, इसकी डिटेल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।